वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तुसी देख रहे हो गुरमत विवेक चैनल ते मैं हाँ प्रगट सिंह। अज असी तुहाडे नाल एक अहम विषय ते गल करन जा रहे हैं जो कि इन्हां दिनां दे नाल संबंधित विषय है। आपां देखदे हां कि अक्सर ही दिवाली दे दिनां दे विच जां दिवाली तो एक दिन बाद अगले दिन एक डे मनाया जाता है, एक दिन मनाया जाता है जिन्हों विश्वकर्मा डे दे नाल संबंधित मनिया जाता है। दिवाली तो अगले दिन ही वह विश्वकर्मा डे मनाने तो जी अज आप गल कर जा रहे हैं विश्वकर्मा डे का संबंध सिखा दे नाल है या नहीं है। इस संबंध के देखो जी मैं इतने एक गल कहनी चाहवागा एक होंगे इतिहास एक होंगे मिथिहास। जिहड़ा इतिहास होंगे वह जो कुछ बिल्कुल सच हूबहू होया उन्हूं इतिहास मनिया जाता है। एक जिहड़ी घटना जां जिहड़ी चीज़ नूं मिथ्या जांदा है अपने किसी लेखक वालों मिथ्या गया, किसी लिखारी वालों मिथ्या गया, किसी बंदे वालों मिथ्या गया उन्हूं कहा जांदा है मिथिहास। इतिहास ते मिथिहास दे विच बड़ा फर्क हुंदा है। ते जिहड़ी कहानी विश्वकर्मा दी सिखां दे नाल जोड़ी जांदी है जां जिहड़े तरखाण वीर जां जिहड़े सिख वीर विश्वकर्मा नूं मनाउंदे ने। जे आपां विश्वकर्मे की कहानी की गल करिए विश्वकर्मे की कहानी एक इदां दी कहानी गिनी गई है। कहिंदे ब्रह्मा जी होए ने ब्रह्मा का पुत्र होया विश्वकर्मा। कहिंदे जिहड़े ब्रह्मा का पुत्र विश्वकर्मा होया तो विश्वकर्मे की धी सूरज दे नाल व्याही गई। हुण इस गल नूं जदों असीं समझदे हां कि विश्वकर्मे की धी सूरज दे नाल व्याही गई। सूरज की है जी? सूरज एक अग का गोला है। देखो जी अग दे गोले दे नाल कहिंदे विश्वकर्मे की धी व्याही गई। जो विश्वकर्मे की धी ने अपने प्यो विश्वकर्मे नूं कहा कि सूरज का तप बड़ा तेज है, बड़ी बड़ा सेक है, तेज है, उहनूं मान लो उहदा कोई हल करके दिओ। कहिंदे विश्वकर्मे ने की किया जी? सूरज नूं खराद ते चाढ़िया। हुण इत्थे सोचण वाली गल है सूरज धरती तो कई गुणा ज़्यादा वड्डा है। साइंस इस गल नूं मनदी है ते ओ फिर केड़ी खराद केड़ी धरती ते लगी होगी जिहदे ते सूरज चाढ़िया गया? कहिंदे खराद ते सूरज नूं चाढ़िया गया। सूरज दा अठवां हिस्सा छिल के सूरज नूं छोटा कर दिता गया। देखो जी कोई चीज़ां कुदरती हुंदियां ने, अकाल पुरख परमात्मा वल्लों बख्शियां चीज़ां हुंदियां ने, जिद्दां ग्रह ने, सूरज है, चंद्रमा, इदां दियां जिहड़ियां चीज़ां ने इह कुदरती तौर ते पैदा होईयां नैचुरली चीज़ां ने। हुण ओह इक मिथिहास कह सकदे आ इहनूं कि उहदे नाल छेड़छाड़ कहिंदे सूरज नूं खराद ते चाढ़ के उहदा अठवां हिस्सा छिल दित्ता गया। ते फिर कहिंदे विश्वकर्मे दी जिहड़ी धी सी उह कहिंदी हाँ हुण ठीक है, हुण जिहड़ा सूरज दा तप तेज घट है। कहिंदे उदू बाद की होया? जिहड़े छिलड़ सूरज दे खराद ते चाढ़ के लए ने ਉਹ ਛਿਲੜਾਂ ਦੇ ਔਜ਼ਾਰ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਉਹ ਛਿਲੜਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਔਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਛਿਲੜਾਂ ਦੇ ਮੰਨ ਲਓ ਔਜ਼ਾਰ ਬਣਾਤੇ, ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਦ ਨੇ, ਤਰਖਾਣ ਵੀਰ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮਿਸਤਰੀ ਵੀਰ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਉਹ ਔਜ਼ਾਰ ਵਿਸ਼ਕਰਮੇ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਜਪਾਨ ਵਰਗੀਆਂ, ਚਾਈਨਾ ਵਰਗੀਆਂ, ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਦੂਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ। ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਚੀਨ ਜਪਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮੇ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਮਨੌਤ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਕੌਣ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਝੂਠੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਵੀਰ, ਸਾਡੇ ਕਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਉੱਪਰ ਨੇੜੇ ਕਰਕੇ ਉਛਾਲਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਭਾਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਮੀਤ ਚਲੋ ਗੁਰ ਚਾਲੀ, ਜੋ ਗੁਰ ਕਹੇ ਸੋਈ ਭਲ ਮਾਨੋ, ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਰਾਲੀ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ, ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ, ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਵਰਗਾ ਬਣਾ ਲੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਰਗਾ ਬਣਾ ਲੈ, ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਹੋਵੇ, ਚੰਗਾ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ, ਚੰਗੀ ਅਕਲ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ
मनना मनाना तरखाण वीर ने जां सिख वीर ने जां किरती वीर ने जिहड़े विश्वकर्मा डे नूं मनाउंदे आ, मनाउणा तां मनाओ भाई लालो जी दे दिहाड़े नूं मनाओ, जिहड़ा सच्चा सुची सच्ची किरत करन वाला सिख होया गुरु नानक साहिब दा। जे विश्वकर्मा डे मनाउणा ही चाहुंदे आ आपां, उह दिन नूं मनाउणा चाहुंदे आ, ते भाई लालो जी दा दिन मनाओ जिहड़े भाई लालो ने सच्ची सुची किरत करके गुरु नानक साहिब जी नूं याद कीता, ते गुरु नानक साहिब जी भी उह लालो तरखाण दे सच्ची सुची किरत करन वाले दे घर आ के बाजरे दे कोधरे दे प्रशादियां नूं छकिया। एक पासे मलक भागो दे प्रशादे ने, पकवान ने, बड़े बड़े वड्डे महल ने, बड़े पकवान ने, बड़ी सेवा, बड़ा ठाठ बाठ है। एक पासे भाई लालो दियां घर दियां सुक्कियां रोटियां, बाजरे दियां रोटियां, कोधरे दियां रोटियां, गुरु नानक साहिब जी ने सच्ची सुची किरत करन वाले नूं पहल दित्ती है। सच्ची किरत करन वाले लालो दे घर गए ने। जे तरखाण वीरो सिखो वीरो मनाउणा है ते भाई लालो दा दिहाड़ा मनाओ। विश्वकर्मे दे नाल सिख दा कोई संबंध नहीं, मूर्ति पूजा दे नाल सिख दा कोई भी संबंध नहीं। सतगुरु जी ने सानू मूर्ति पूजा तो वरदिया, असी फोटोआं नहीं पूजनियां, असी मूर्तियां नहीं पूजनियां। सतगुरु जी कहिंदे इदां दा काम नहीं करना भाई, इदां दी मूर्ति पूजा जां इदां दे पखंड वाले पासे नहीं पैंदा। असी की करदे हां जी, विश्वकर्मा डे वाले दिन गुरु ग्रंथ साहिब जी दा प्रकाश गुरद्वारे दे विच करा के भोग पा रहे हां। असी की कर रहे हैं, गुरु गुरद्वारे ही विश्वकर्मा डे दे नाल संबंधित विश्वकर्मे दे नाल बना दिते। भाई सिखो जे मनाउणा चाहुंदे हैं भाई लालो नूं मनाओ, जे मनाउणा ही चाहुंदे हैं। इदां दे बड़े हजारां सिख होए ने जिन्हां ने सच्ची किरत कीती है, जिन्हां दे जीवन दे विच चंगीआं चीज़ां ने, उन्हां तों सेध लै के असी अपने अपने जीवन नूं सफला बनाईए। कि इन्हां दोन्हें चीज़ां नूं कंपैरिजन करके देखो, झूठ नूं कि सच नूं, मिथिहास नूं कि इतिहास नूं। एक मिथिहास है घड़िया होया, जो आपां कुदरती तौर देखिए सूरज दे नाल छेड़छाड़ हो सकदी है, कोई नेड़े नहीं जा सकदा, छेड़छाड़ बड़ी दूर दी गल है। ਇਹ ਮਿਥਿਹਾਸ ਨੂੰ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਨੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹੱਕ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ। ਮੰਨਣਾ ਤੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨੋ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੈਰਲਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਤਰਖਾਣ ਵੀਰੋ, ਜੇ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰੋ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਰਮ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰੀਏ। ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਚੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।